असम विधानसभा में मुस्लिम सदस्यों को जुम्मे की नमाज के लिए अब 2 घंटे का ब्रेक नहीं मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत डैमरी ने शुक्रवार को यह फैसला किया। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने दी। स्पीकर का ये फैसला विधानसभा के अगले सत्र से असम में लाया जाएगा। असम सरकार के फैसले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू ने असम सरकार के फैसले का विरोध कर दिया। बिहार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि असम सरकार का फैसला संविधान के मानक के खिलाफ है। सभी धर्मों को अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को जीवित रखने का अधिकार है। असम में सीएम कहते हैं कि इसके काम करने की क्षमता बढ़ेगी, फिर भी उनके कामाख्या मंदिर में बलि प्रथा को बंद करने के लिए कहना चाहूँगा, किसी को भी धार्मिक प्रथाओं पर हमला करने का अधिकार नहीं है। मौजूदा वक्त में जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। केंद्र सरकार में जेडीयू की एक अहम भूमिका है। दूसरी और बिहार के नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। इसके बाद भी जुम्मे की नमाज को लेकर जेडीयू का रुख बिल्कुल अलग दिख रहा है। ये अलग बात है कि असम की सरकार से जेडीयू का कोई लेना देना नहीं है, ना ही असम से जेडीयू की कोई मौजूदगी। जेडीयू के अलावा बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी ने भी असम सरकार के फैसले पर विरोध किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सीएम योगी का चाइनीज वर्जन बनने का प्रयास कर रहे हैं और जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करने वाले काम करते रहते हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि बीजेपी के लोगों ने नफरत फैलाने और समाज में ध्रुवीकरण करने के लिए मुसलमान भाइयों को सॉफ्ट टारगेट बना लिया। देश की आज़ादी में आरएसएस छोड़ सभी धर्मों के लिए एक योगदान है। हमारे मुसलमान भाइयों ने देश को आज़ादी दिलाने में कुर्बानियां दी और हम लोग जब तक हैं तब तक कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता। वहीं गुवाहाटी में AIUDF विधायक मुजाबिर रहमान ने कहा कि शुक्रवार को हमें नमाज के लिए 1 या 2 घंटे मिलते थे। ये व्यवस्था 1936 से चली आ रही है। लगभग 90 साल बीत चुके हैं, बहुत सारी सरकारें और सीएम आए लेकिन उन्होंने कोई समस्या नहीं हुई। हमें नहीं पता कि मौजूदा सीएम हेमंत शर्मा को क्या समस्या है, मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश क्यों करते रहते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक असम में हिंदुओं की आबादी 60% से ज्यादा है, वहीं मुस्लिम आबादी 33% के लगभग है, जबकि असम में ईसाइयों की आबादी 4% है। वहीं अन्य सभी धर्मों की मानने वालों की संख्या सिर्फ 3% मानी गई है। फिलहाल में अभी ये मुद्दा शांत होते नहीं दिख रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इस फैसले का असर एनडीए के 7 दलों पर असम विधानसभा के टाइम टेबल पर कितना पड़ता है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।